नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। जब चुनाव के पहले जब बात होती है प्रत्याशियों की, तो हर पार्टी कहती है कि हम साफ सुथरी छवि वाले लोगों को विधानसभा तक भेजेंगे, लोकसभा तक भेजेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो बोल बदल जाते हैं, फिर बोल हो जाते हैं दाग अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग विधानसभा पहुंच जाते हैं, लोकसभा पहुंच जाते हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए रहते हैं, और उसमें भी विभिन्न प्रकार की कैटेगरी कर दी जाती है, गंभीर मामले, थोड़े कम गंभीर मामले, बहुत गंभीर मामले। लेकिन अपराध तो अपराध ही है। लेकिन जब पार्टी को टिकट देने की बात आती है तो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात करें, तो वो जो है समझौता कर लेती है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। दागी उम्मीदवारों को लेकर हर बार बहुत बहस छिड़ती है। चुनाव के पहले तक सभी दल दागियों को टिकट देने के विरोध में रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये बात भूल जाते हैं और कहने लगते हैं दाग अच्छे हैं। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 106 दागियों को टिकट दी गई, 2008 की तुलना में ये 29 अधिक थी। दागियों को टिकट बांटने के मामले में कांग्रेस ने भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 9 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। ठीक इसके विपरीत 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 और भाजपा ने 13 दागी उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया था। टिकट वितरण के पहले हर बार स्वच्छ छवि की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने ही बनाए नियमों को बहुत आसानी से कुछ अवसर के कारण तोड़ देती हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2008 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजनीतिक दलों ने 77 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि जो जनता तमाम सवाल करती है, लेकिन उन पार्टियों को, उन दागी प्रत्याशियों को भी जिताकर विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचा देती है। आंकड़े कुछ ऐसे ही कहते हैं। इसीलिए आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को इस बात को जरूर सोचना होगा कि अच्छे साफ सुथरी छवि वाले लोगों को विधानसभा तक और लोकसभा के दरवाजे तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।